गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमारा जो नाइन्थ क्लास का ज्योग्राफी वाला पोर्शन है, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन, उसमें हम आज देखने वाले हैं ग्लॉसरी के बारे में। ग्लॉसरी लाइफ टाइम समझने लाइफ टाइम काम आने वाली चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये हमें जो छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं उनको एकदम क्लियर करती है। जब कंसेप्ट क्लियर होंगे तो हमें ईजिली चैप्टर भी समझ में आता है। तो आज हम ग्लॉसरी देख लेते हैं। पहला है कॉन्टिनेंट, अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड दैट इज ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय ओशियंस, यानी धरती का, जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा जो कि सागरों से घिरा रहता है। एंड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सेवरल कंट्रीज, और जो ये लार्ज एरिया है ये बहुत सारे देशों से मिलकर के बना होता है। तो कॉन्टिनेंट एक बहुत बड़ा एरिया होता है जिसमें बहुत सारे देश होते हैं, और जो पूरा का पूरा एरिया है यह समुद्र से, सागरों से घिरा रहता है। अगला है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है? वन हाफ ऑफ द अर्थ, यानी कि धरती का आधा हिस्सा जो है उसे हम हेमिस्फीयर कहते हैं। तो चैप्टर में जहां भी हेमिस्फीयर आएगा हम समझ जाएंगे कि धरती के अपर हाफ और लोअर हाफ, यानी कि किसी एक हाफ की ये बात कर रहे हैं। अगला है लैटिट्यूड, एन इमेजिनरी पोजिशन ऑन द अर्थ और ऑन अ मैप ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि एक इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी पोजिशन, चाहे वो अर्थ पे मान ले हम, चाहे से हम उसे संसार के नक्शे पे मैप में मान ले, मीजर्ड एज द एंगुलर डिस्टेंस। और जो ये इमेजिनरी पोजिशन है, लाइन है एक तरीके से, इसका हम लोग उपयोग क्या करते हैं? इसका उपयोग हम लोग एंगुलर डिस्टेंस यानी कि कोण के रूप में अलग अलग जगह की जो दूरियां हैं उसको ज्ञात करने में उपयोग करते हैं। टू द नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, कहां से कहां की करते हैं? इक्वेटर के नॉर्थ में और साउथ में। तो लैटिट्यूड क्या है? लैटिट्यूड कुछ नहीं है, एक इमेजिनरी लाइन है, वास्तव में ऐसी कोई लाइन होती नहीं है, जस्ट हमने मेजरमेंट के लिए माना हुआ है। तो ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि अर्थ पे होती है, या फिर हम कह लें मैप पे होती है, संसार के नक्शे पे होती है। इसका उपयोग क्या है कि इसके उपयोग से हम लोग एंगुलर डिस्टेंस को मेजर करते हैं। वो जो डिस्टेंस है यह है इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं। अगला है लॉन्गिट्यूड, एन इमेजिनरी पोजिशन ऑन द अर्थ और ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड, वही सेम लाइन है कि एक इमेजिनरी पोजिशन कहाँ पे? अर्थ पे या मैप ऑफ द वर्ल्ड, संसार के नक्शे पे होती है। मीजर्ड एज द एंगुलर डिस्टेंस, यहाँ पे भी हम लोग एंगुलर डिस्टेंस को मीजर करते हैं। टू द ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, और ये हम लोग कहाँ पे करते हैं कैलकुलेट? प्राइम मेरिडियन जो लाइन होती है उसके ईस्ट या वेस्ट में हम लोग एंगुलर डिस्टेंस निकालते हैं, मीजर करते हैं, उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। तो बहुत इजी है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन है जो हमें एंगुलर डिस्टेंस देती है, इतना ही याद रखना है इसमें हमें। अगला पॉइंट है पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है? अ लार्ज एरिया बाउंडेड बाय द सी ऑन थ्री साइड, यानी कि एक बहुत बड़ा टुकड़ा, जमीन का टुकड़ा जो कि तीन साइड से, तीन तरफ से समुद्र से, सागरों से घिरा रहता है, उसे हम पेनिनसुला बोलते हैं। इस एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल हम जानते हैं हमारा इंडिया का जो सदर्न पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर इंडिया, क्योंकि यहाँ पे ये तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है। ईस्ट में है बेस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में है अरेबियन सी, और जो साउथ वाला हिस्सा है वहां पे है इंडियन ओशियन। तो इसलिए ये अपना पेनिनसुलर इंडिया हो गया। अगला पॉइंट है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन क्या होती है? एन इमेजिनरी सेमी सर्कुलर लाइन, यानी कि यह भी एक इमेजिनरी यानी कि मानी हुई एक लाइन होती है जो सेमी सर्कुलर होती है, ज्वाइनिंग द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। और जो इमेजिनरी लाइन है यह नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करती है, यहां से गुजरती है। दैट पासिस ओवर द ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी नियर लंदन, और जो ये लाइन है ये चलती चलती जो हमने मानी है गुजर रही है, वो ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी जो है लंदन के अंदर वहां से भी ये गुजरती है। द वैल्यू ऑफ दिस मेरिडियन इज टेकन टू बी जीरो लॉन्गिट्यूड, और जो इसकी हम वैल्यू लेते हैं वो क्या लेते हैं? जीरो लॉन्गिट्यूड में लेते हैं। और लॉन्गिट्यूड हम जानते हैं कि लॉन्गिट्यूड में हम लोग एंगुलर डिस्टेंस निकालते हैं ईस्ट और वेस्ट साइड से। अगला है स्टैंडर्ड मेरिडियन, द लॉन्गिट्यूड विच पासिस थ्रू अ कंट्री विच इज यूज टू फिक्स द स्टैंडर्ड टाइम फॉर दैट कंट्री, यानी कि ये एक ऐसा लॉन्गिट्यूड होता है जो किसी एक देश से होकर के गुजर रहा होता है, और
गुजरने के साथ ही साथ इस स्टैंडर्ड मेरिडियन का उपयोग वह देश अपने यहाँ का समय फिक्स करने के लिए यूज करते हैं। अगला है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। हम जानते ही हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है हर देश से गुजर रही है, सब अपना अपना उस स्टैंडर्ड मेरिडियन के हिसाब से टाइम फिक्स कर लेते हैं। अब जो इंडिया से गुजर रही है उसे हम बोलेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, शॉर्ट में बोलते हैं IST। ये क्या होता है देखते हैं आगे। दिस इज लोकल टाइम ऑफ द लॉन्गिट्यूड 82° 30′ टेकन एज द टाइम फॉर द होल ऑफ इंडिया। जो इसकी लॉन्गिट्यूड में अगर हम बात करें, इसकी लोकेशन जो है वो कितनी है, 82° 30′ और इसकी पोजीशन ईस्ट में है, और साथ ही साथ यह लाइन जो है वो पूरे देश के लिए, भारत देश के लिए समय का निर्धारण करने के लिए उपयोग की जाती है। दिस इज 5.30 hours अहेड ऑफ द ग्रीनविच मीन टाइम। और जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो टाइम जो है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 5.5 घंटे आगे चलता है किससे, GMT से, ग्रीनविच मीन टाइम। यानी ग्रीनविच जो मीन टाइम है वहां पे जो टाइम हो रहा होगा उससे 5.5 घंटे ज्यादा का आगे का समय हो रहा होगा भारत में। अगला है स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है, इट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लैंड एरियाज। स्ट्रेट क्या होता है, एक छोटा सा हिस्सा होता है जो कि पानी से भरा होता है, और यह छोटा सा हिस्सा जो होता है वो अलग अलग जो लैंड के एरियाज है उनको सेपरेट करता है। यानी कि एक लैंड है जो दोनों की अलग अलग है और उन दोनों को सेपरेट कर रहा है, बीच में आकर कौन, यह पानी वाला जो एरिया है वो, इसे हम बोलते हैं स्ट्रेट। लास्ट है सुनामी। इट इज अ ह्यूज सी वेव जनरेटेड बाय द अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर। सुनामी क्या होती है, सुनामी जो होती है ये समुद्र की लहरें होती हैं। ये लहरें बनती कैसे हैं, ये लहरें जो होती हैं समुद्र के तल में आने वाले अर्थक्वेक, भूकंप से जनरेट होती हैं। तो सुनामी क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ इतना समझना है कि भाई समुद्र जो है उसके तल में भूकंप आया, भूकंप आने की वजह से वहां पे जो मूवमेंट हुई उस मूवमेंट से पानी की स्पीड या पानी में भी मूवमेंट होता है और उस वजह से काफी बड़ी और ऊंची लहरें उठती हैं जिसे हम सुनामी के नाम से जानते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में से आगे कैरी करते हैं। थैंक यू।